हेलो दोस्तों, वेलकम टू साधना टेरेस गार्डन। दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको बार की पराठा बनाना बताऊंगी। दोस्तों ये मैंने मलाई ले रखी है थोड़ी सी, ये थोड़ा सा दूध लिया है मैंने, इसमें मलाई भी रहेगी अंदर की तरफ, तो वो पूरा हम इसमें यूज़ कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि जो दूध का ताकत रहती है वो सारा वेस्ट किसके करना, हम मांझने में डाल देते हैं, मांझने उसको हम दूध में पूरा लेके यूज करें। दूध के अंश, दूध के सारे गुण हमारे आटे में आ जाएंगे, जो बच्चों को, बड़ों, बूढ़ों, सबको फायदा करेगा। इस बात का ध्यान रखें, जो भी खाना बनाए हम स्वाद वाला और ताकतवर रहना, हेल्दी फूड रहना चाहिए दोस्तों। अब ये देखिए, ये मैंने एक स्पून लिया दोस्तों घी, इसमें एक स्पून घी डालेंगे। और ये देखिए मैदा लिया मैंने, मैदा देख लें, मैदा लिखा हुआ है मैदा फ्लोर, कहीं ऐसा ना हो आप कॉर्न फ्लोर ले लें, तो इसलिए मैदा फ्लोर मैं आपको इसकी स्लिप में दिखा रही हूँ। इसमें हम थोड़ी सी एक चुटकी करी मैदा डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएंगे और आटा अच्छी तरह से, जैसे आटा लगाते हैं वैसा गूंथ लेंगे। बार की रोटी में बहुत से लोग अजवाइन भी खाना पसंद करते हैं, अजवाइन अपना चॉइस है, चाट मसाला भी डाल के पसंद करते हैं, वो भी आपका चॉइस है। ये नान या तंदूरी रोटी नहीं है, ये आज मैं जो सिखा रही हूँ वो बार की पराठा है। आटा अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए लगा लें। इसमें नमक डालना नहीं भूलें दोस्तों, मैंने नमक डालना रह गया था, इसमें मैं एक स्पून नमक डाल रही हूँ। ये मेरा 1 किलो करीब आटा हो गया है, 1.25 किलो आटा था और 250 ग्राम करीब हमारा मैदा है, तो ये 1 किलो करीब आटा है। बस मसल मसल कर अच्छा इसको लगा लें। देखिए दोस्तों हमारा आटा बिल्कुल तैयार है, फर्स्ट क्लास। बस इसको हमने अच्छे से मालिश कर लिया, इसकी लोई तोड़ेंगे। लोई थोड़ी जैसा पराठा बनाते हैं उससे थोड़ा मोटा बनाने की वजह से तोड़ेंगे। ये हमने परिवर्तन आटे का लिया है, आप मैदा का चाहें तो मैदा का भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर है। बस इसको खूब पतला जितना बेल सकते हैं उतना बेलें। ये जैसा पराठा बनाते हैं उससे थोड़ा मोटा बेलेंगे। ये देखिए हमने चारों तरफ घी लगा लिया है, घी को चारों तरफ लगा के इसको हम 3 तह में ऐसे मोड़ लेंगे और यहाँ पर भी घी लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, बस इसको हम चौकोर चौकोर बेलेंगे। फिर इसके बाद हम दोबारा इस पर घी लगाएंगे। घी लगाने का वही तरीका, चारों तरफ लें घी लगाएं, एक पर इधर से लें, एक पर घी लगाकर ऐसे लें। ये बहुत ही खस्ता बनने वाला पराठा है दोस्तों, बस यहाँ से लें और घी नहीं है तो इधर भी लगाएं। फिर इसके देखिए, ये हमने 2 बार इस तरीके से बेल लिया,
आप सूखा पाउडर ऊपर भी लगाना चाहें, फ्रिज में रखना चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो वो काम भी कर सकते हैं दोस्तों। नहीं तो आप इस तरीके से ही करेंगे तो आपका पूरा ऊपर की पराठा बनेगा। इसके अलग अलग लच्छे, अलग अलग परतें दिखेंगी दोस्तों जब आप सेकेंगे। बस अब लास्ट बार आपको ये घी की परत और लगाना है दोस्तों। घी थोड़ा इसमें ज़्यादा लगता है, घी की ताकत से ये पराठा बहुत टेस्टी बनने वाला है। शुरू में हमने इसमें दूध भी डाला था, बहुत से लोग हल्का चीनी डाल के भी पसंद करते हैं दोस्तों। ये आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर है, चीनी डालना चाहे डाल ले नहीं तो छोड़ दीजिए। इसमें एक चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं तो हल्का मिठास आएगा पराठा। देखिए हमने ये परत बना लिया है, बस इसको चौकोर बेलना है दोस्तों। दोस्तों आप ये पराठा देख रहे होंगे, हमने चौकोर बेल लिया है, इधर गैस भी ऑन कर लिया है। हल्का तवा गर्म होने पर हम मीडियम रख के सेकेंगे। बस इसका पराठे की हमने इतनी बार परत लगाई है दोस्तों, तो कितनी परत बनी होंगी आप सोच रहे होंगे। अब आपको ये देखिए कि ये पराठा कितना खस्ता बनेगा, कितना टेस्टी बनने वाला है। आप खाकर बताइए और वीडियो में मेरे को शेयर करिए अपना फ़ोटो के साथ, पराठे का फोटो, कि आपका कैसा बना पराठा। ये देखिए दोस्तों, ये इधर पराठा सिक रहा है। पराठे के लिए आप मोटा तवा लेंगे तो अच्छा, धीरे धीरे सिकेगा तो अच्छा लगेगा दोस्तों। आपकी चॉइस है, आपके पास नहीं है तो हल्के तवे पे भी आप सेक सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान पूर्वक सेकें कि जले नहीं पराठा। एक तरफ से जब कलर चेंज हो जाए तो आप साइड चेंज कर दें। ये देखिए दोस्तों, पराठे का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको पलट देंगे, देखिए कैसे गोल्डन कलर में आया है। और थोड़ी देर बाद इसको नीचे से चेक करेंगे कलर चेंज हुआ है कि नहीं। थोड़ा हल्की हल्की जब ब्राउन कलर की बूंदें जैसी दिखती हैं तभी हमें पराठा का साइड चेंज करना पड़ता है। बस ये देखेंगे, हम नीचे पराठा सिकने वाला है, हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और घी लगाकर इसका साइड चेंज करेंगे। ये पराठा बहुत ही अच्छा बनने वाला है, बहुत ही टेस्टी लगेगा दोस्तों। आप खा के बताएं कैसा खस्ता पराठा बना, कलर में भी, लुक में भी और हेल्थ में भी, हेल्थ के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा बनने वाला है। ये बच्चों को सुबह नाश्ते में दें, बड़ों को दें, अपने दोस्तों घर वालों को सबको खिलाएं दोस्तों। बहुत ही टेस्टी पराठा। आप इसको हरी मिर्च का जो अचार फ्रेश बनता है उसके साथ, चटनी के साथ, बच्चों को सॉस के साथ, आलू टमाटर की सब्जी के साथ, कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ भी दे सकते हैं। जैसे दम आलू है, शाही आलू है, या पनीर बटर मसाला है, आप जिसके साथ भी देंगे ये बहुत ही टेस्टी लगने वाला पराठा है और बहुत ही टेस्टी लगेगा। बस इसको मीडियम गैस पर सेकें, बहुत तेज गैस नहीं करें, आराम से सेकें। और रेड कलर का ही सिकना चाहिए, लाइट ब्राउन कलर रहेगा चलेगा, पर ब्लैक नहीं पाएगा। दोस्तों पराठा अगर हम रिश्तेदार ज़्यादा बैठे हों और जल्दी जल्दी देना है, यही पराठा आटा वही लगा रहने दीजिए। बस जल्दी जल्दी आप इस तरीके से बेल के, मैं नया तरीका बता रही हूँ ये बार की पराठा परत वाला बनाने के लिए। बस आप ये घी लगाइए अच्छी तरह से, इसको ऐसे मोड़िए और मोड़ कर इसे रोल कीजिए। रोल करके ऐसे हाथ में रोल कर लीजिए और इसको मोड़ दीजिए। अब इसकी बहुत सारी परत बन के आएगी दोस्तों। ये लच्छा पराठे की तरह से हमने इसको बना लिया है, सेम वही तरीका है। बस इसमें ये प्योर मैदा का नहीं है, हमने आटा और मैदा दोनों मिला के बनाया है। आप परत जो लेते हैं वो मैदा की लेके बेलेंगे तो मैदा का टेस्ट ज़्यादा आएगा, आटे की लेके बेलेंगे तो आटे का अच्छा टेस्ट आएगा, जो हेल्दी एक पराठे का आता है।
ऐसे ये पराठा जल्दी बेल जाता है, तीन बार पर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई कम घी खाने वाले लोग हैं तो उनके लिए आप इस तरीके से आटा वही रहने दीजिए और आप पराठा बनाइए, अच्छा फूला हुआ पर्तदार पराठा, ये भी बहुत टेस्टी बनेगा और स्वाद में फ़र्क नहीं आएगा, लगभग वही स्वाद रहेगा। जैसे घी ज़्यादा लगाते हैं तो टेस्ट में तो डिफरेंट आता ही है दोस्तों, कहते हैं ना घी बनावे खिचड़ी नाम बहू को होए, तो जितना हम ज़्यादा घी डालते हैं उतना ही टेस्ट चीज़ में अच्छा था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। परंतु जिनके लिए घी मना है और स्वाद भी हम उनको देना चाहते हैं तो कम घी का इस तरीके से बना सकते हैं, नहीं तो ऑयल का बना दीजिए दोस्तों। ऑयल में जो फ्रेश मूंगफली का तेल होता है, तिली का तेल रहता है, सनफ्लावर ऑयल रिफाइंड वाला नहीं सादा जो आता है, वो तेल को हम यूज़ करेंगे तो हमको नुकसान नहीं करेगा। रिफाइंड होके केमिकल्स पड़ने की वजह से ऑयल भी नुकसानदेह बन जाता है। ये पराठा देखिए कितना अच्छा गोल्ड गोल्ड कलर में सिक रहा है। ये पराठे को हम ठंडा भी रख के खा सकते हैं, आप अपने दोस्तों को, बच्चों को, घर वालों को, सबको बनाकर खिलाइए और अपनी फोटो खींच के मेरे को भेजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए दोस्तों। इसमें दूध की वजह से, घी की वजह से ये बहुत हेल्दी पराठा है, बहुत ही टेस्टी लगेगा।